हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मैं हूं अभिजीत कुमार और हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो आप लोग, टेस्ट सीरीज वन के बारे में। आप लोगों को 50 टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल करवाया गया है उसका टेस्ट सीरीज वन है, और इस टेस्ट सीरीज वन का रो टेस्ट और कॉलम टेस्ट है, और ये इंग्लिश कॉन्टेंट के लिए है, मतलब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो भी हिंदी नहीं समझते हो उनके लिए है, ठीक है। तो टोटल 50 टेस्ट है, आप लोगों को पता है, सभी लोगों ने ले लिया है, 1000 से ज़्यादा लोगों ने ले लिया है, कुछ लोगों को नहीं मिला है, इसीलिए नहीं मिला कि टेस्ट सीरीज आपका हो गया आउट ऑफ स्टॉक। तो आप लोगों को 5 to 6 hours वेट करना पड़ेगा अभी से, 200 यूजर आईडी पासवर्ड का डिमांड किया गया है, जैसे ही आएगा आप लोगों को देना स्टार्ट हो जाएगा। तो अनलिमिटेड एजुकेशन से 1200 स्टूडेंट हैं जिसने टेस्ट सीरीज लिया है, तो अब देखते हैं कि इसमें से यहां से सिलेक्शन कितना ज्यादा का होता है, ठीक है। 7 तारीख हो गया, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, और इसी का यही आपका हिंदी में भी आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है विजन एजुकेशन पे। तो जिसको हिंदी चाहिए, विजन एजुकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सब्सक्राइब करके वहां पे हिंदी में देखो, और जिसको इंग्लिश कंटेंट चाहिए वो यहाँ पे आप लोग देखो। और थोड़ा समय आप लोगों को दिखा देता हूँ टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सर्वर कि कितना स्लो है, कितना फास्ट है, आप लोगों को क्या करना है, कैसे टेस्ट सीरीज देना है, ये सारा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन देखो, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, इस वेबसाइट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करोगे चले जाओगे वेबसाइट पे, सारा डिटेल्स आपका मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं, जब आप लोग गूगल खोलते हो तो इस तरह का आता है, और ये मैंने जो आप लोगों को दिया हुआ है ये है www.railwaypsycho.org, ये मैंने आपको अवेलेबल करवाया। मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि ये इंडिया का सबसे बेस्ट सीरीज है। कहाँ जाओगे आप, कौटिल्या, देखो यहाँ पे लिंक देखो, kautilya.railwaypsycho.org, यहाँ देखो railwaypsychotest.in, मैंने आपको करवाया railwaypsycho.org। आप मार्केट में कोई सा भी टेस्ट सीरीज ले लो, मोदी सर का ले लो, बीके सिंह सर का ले लो, कौटिल्या का ले लो, अनलिमिटेड एजुकेशन का ले लो, बी चैंप का ले लो, या जो भी ले लो, सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज यही है, सब लोगों का यही टेस्ट सीरीज है, किसी का अलग अलग नहीं है, URL अलग अलग है, जैसे ही लॉगिन करोगे आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा सर्वर के बारे में देख लेते हैं। सर्वर ठीक कर दिया गया है, और एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर फिर भी कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल में नेट स्लो होने की वजह से भी ज्यादा टाइम लगता है, तो उस केस में ना, और मैंने खुद पर्सनली चेक किया, मेरे पास 3 सर्वर है, तीनों सर्वर से मैंने चेक किया, तीनों में सेम टाइम लग रहा था। रात के टाइम पे अगर आप टेस्ट दोगे तो बिलीव करो आपका टाइम काफी हद तक बचेगा और आप अच्छे से टेस्ट दे सकते हो। तो कोशिश करना आप लोग रात में 12 बजे के बाद सुबह में 5-6 बजे से पहले देने का। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे कि मैं आपको कोई सा भी टेस्ट खोल करके दिखा देता हूँ, मैं आपको मान करके चलो टेस्ट नंबर 10 खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो सर्वर किस तरह से आपका काम कर रहा है, और यहाँ पे जितना टाइम लगेगा ना इतना आपको लगेगा ही लगेगा, अगर इससे ज्यादा फास्ट आप सोचोगे तो वो इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये सारा टेस्ट जो देख रहे हो ना इमेज फॉर्म में लोड किया गया है, एक चीज। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को और बताता हूँ, कलरफुल टेस्ट पे मत जाना। कुछ टेस्ट सीरीज मार्केट में ऐसा है जिसका इंटरफेस कलरफुल है, आपको देखने में काफी प्यारा सा लगेगा और आपको अच्छा लगेगा, लेकिन याद रखना क्वालिटी पे फोकस करो। रेलवे जो एग्जाम लेगा ना उसका जो साइको का एग्जाम होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा आपका, वो रंगीन इंटरफेस नहीं रखेगा। तो आप देख सकते हो टेस्ट का स्पीड क्या है, तो ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा स्लो हो सकता है, आप लोग टॉलरेट करो, बिकॉज जाओगे कहाँ पे, जहां पे जाओगे जिसका टेस्ट सीरीज लोगे आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों का क्वेश्चन था सर हिडन क्यूब टेस्ट है या नहीं, तो देखो ब्रिक टेस्ट और हिडन क्यूब टेस्ट दोनों लिखा हुआ है, तो किसी टेस्ट में आपको ब्रिक टेस्ट मिलेगा और किसी टेस्ट में आपको हिडन क्यूब टेस्ट मिलेगा, ओके।
और थोड़ा सा लोड होने में हल्का सा टाइम 20 सेकंड 25 सेकंड इसलिए भी लग जाता है कि मैं आपको पेज स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ, देखो आप कितना डाटा ये लोड करता है, तो जिस वजह से आपका थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मेरा मेन मकसद था आपको दिखाने का कि कितना टाइम आपको टेस्ट सीरीज में लगेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे सारा कुछ मैं आपके सामने ऑनलाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर जी झूठ बोल रहे हैं। अब देखो ये सारा इमेज फॉर्मेशन में है, ये टेक्स्ट फॉर्मेशन में नहीं है, तो इस वजह से इतना सारा टाइम थोड़ा सा लग रहा है। हाँ, आप लोग कमेंट करते हो मुझे समझ में आता है, जब काफी ज्यादा लोगों का कमेंट आता है तो मुझे भी समझ में आता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो कोशिश किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग हड़बड़ा जाते हो, सर्वर उधर ठीक हो रहा है उसी के दौरान आप अगर टेस्ट देते हो, सिंपल सी बात है आपका नहीं खुलेगा। आप लोग तुरंत मैसेज कर देते हो, पता नहीं क्या क्या मैसेज कर देते हो। बेटर है कि आप लोग समझ आओ, आप अकेला नहीं हो, लाखों लोग हैं यहाँ पे, तो इससे अच्छा आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो और किसी अदर टाइम पे करो। और एक लड़की ने कमेंट किया था, काफी अच्छा लगा मुझे उनका कमेंट, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड आप कह सकते हो, काफी अच्छा लगा। उसने मुझे ये बताया, कमेंट किया कि अगर किसी पार्टिकुलर सेक्शन पे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है ना, तो आप ना उसी टाइम पे लॉगिन करके दोबारा से सेम टेस्ट क्लिक करोगे तो जैसे अभी सिमिलैरिटी टेस्ट हमने खोला हुआ है तो वो अपने आप टेबल टेस्ट आ जाता है। तो ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो जिस हिसाब से चल रहा है इस हिसाब से करो। बेस्ट टेस्ट सीरीज है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लगने दो, कुछ नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा लोड है। और कुछ लोग मुझे बोलते हो भैया मैंने तो एज अ मीडिएटर आप लोगों को अवेलेबल करवाया हुआ है, मेरा खुद का सर्वर नहीं है, मेरा तो वेबसाइट है unlimitededucation.in, मैंने आपको अवेलेबल करवाया क्योंकि आप अकेले पैसा देके टेस्ट इससे खरीद नहीं सकते हो। किसी को भी अगर आपकी कहीं से भी खरीदोगे ना तो आपको यही टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखोगे और टेस्ट दोगे। और मैंने आपके सामने में खोल करके दिखाया तो ओवरऑल कितना टाइम लगा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, इस तरह से है। और यहाँ पे गेट सॉल्यूशन पे आप लोग क्लिक करोगे तो आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस टेस्ट आपका ये सॉल्यूशन आएगा। और सॉल्यूशन में पांचों टेस्ट का सॉल्यूशन एक साथ आता है, इसलिए सॉल्यूशन पेज पे ज्यादा टाइम लगता है। तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपने अपना टेस्ट खत्म कर लिया, ये घूम रहा है घूम रहा है, घूमने दो, दो मिनट तीन मिनट में आपका आ जाएगा सॉल्यूशन पेज और आप अपना मिला लेना। मेन काम है टेस्ट देने का। तो इतना सारा चीज मुझे बताना था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को इसी टेस्ट सीरीज का टेस्ट वन का सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखो सब कुछ मैंने आपके सामने किया है, कहीं पे कोई एडिटिंग नहीं, कहीं पे कोई कटिंग नहीं, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से भरोसा हो जाए कि टेस्ट सीरीज का सर्वर कैसा है। और इससे अगर ज्यादा टाइम लगे तो एक ही बात बोलूंगा कि पेशेंस रखना, आपकी तरह लाखों लोग बोलते हैं ये बात और काम होना स्टार्ट हो जाता है। और मैं नहीं करता हूं, जिसका टेस्ट है वो उसका काम है सर्वर ठीक करना और वो करता रहता है, ठीक है। इतना सारा बात था, अब हम लोग चलो आज का क्लास देखते हैं। तो अब हम लोग आज का क्लास देख लेते हैं, टेस्ट सीरीज वन। इस पे हिंदी में मैंने लेक्चर बनाया तो काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर इंग्लिश प्लीज, तो मैंने इंग्लिश में तो ऑलरेडी आपका 1 to 8 एक्सरसाइज बीके सिंह का कंप्लीट करवा दिया। अब जो लेक्चर आ रहा है ये टेस्ट सीरीज का लेक्चर आ रहा है और यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा हाई होने वाला है, ठीक है। बीके सिंह बुक में काफी ज्यादा ग्रामेटिकल एरर था तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल मैंने देखा है लोगों का लो हो गया है। आज से आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से बूस्टअप हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फ्रॉम कॉलम 1 to column 5 इन विच कॉलम हैव ओनली 2 लेटर्स मोर देन वंस। समझने का कोशिश करो, कॉलम 1 से लेकर के कॉलम 5 में आपको उस कॉलम का सिलेक्शन करना है जिस कॉलम में एक से ज्यादा लेटर है जिसका फ्रीक्वेंसी 2 से ज्यादा है या 2 है। मतलब क्या बोल रहा है, फ्रॉम कॉलम 1 to column 5 इन विच कॉलम हैव ओनली 2 लेटर्स, 2 लेटर ऐसा है जो मोर देन वंस आया हुआ है, ठीक है। हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाता है तो जो करता है वो अपने हिसाब से करता है, इसीलिए ग्रामेटिकली एरर रहता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। बेटर ट्राई टू इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट और इसका फायदा ये होगा कि एग्जाम में आप
बना दोगे। ठीक है, चलो तो हम लोग कॉलम देखते हैं। कॉलम ए को देखो, इसमें सिर्फ आपका ए दो बार आया हुआ है। कॉलम टू को देखो, इसमें आपका बी दो बार आया हुआ है। कॉलम थ्री को देखो, कॉलम थ्री है ये, तो इसको कॉलम देखो। ये सब चीज मैं नहीं समझाऊंगा बिकॉज टेस्ट सीरीज में इसी तरह का दिया हुआ है। ये आपका हुआ रो और ये आपका हुआ कॉलम। ठीक है, कॉलम थ्री को देखो तो सी आपका एक से ज्यादा बार है और ए आपका एक से ज्यादा बार है। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलम थ्री अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना, यानी अपने लोगों को कॉलम थ्री के बारे में बात करना है बिकॉज कॉलम थ्री एक ऐसा कॉलम है जिसमें मतलब दो लेटर ऐसा है जो एक से ज्यादा बार आया हुआ है। ओके, और अगर आपको और चेक करना है तो आप कॉलम फोर को देखो, दो नहीं है, सिर्फ आपका सी आया हुआ है दो बार। कॉलम फाइव को देखो तो यहाँ पे भी देखो ई आया हुआ है दो बार। सिर्फ कॉलम थ्री है जिसमें दो लेटर ऐसा है जो एक से ज्यादा बार आया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट विल बी द मिडिल ऑफ दैट कॉलम। इस कॉलम का मिडिल में क्या है, इस कॉलम का मिडिल में सी है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर सी होगा। सी के लिए क्या होगा, सी के लिए थ्री होगा। थ्री आंसर करेंगे और निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, सेम स्टैंडर्ड आपका रहेगा रेलवे एग्जाम में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू ध्यान से देखो, विच वन ऑफ द लेटर इन लाइन टू, समझने का कोशिश करो। लाइन यहाँ पे रो को बताया गया है, ये सब आपको मिस्टेक मिलेगा, क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा ये सब चीज, समझने का कोशिश करो। पंक्ति है ना, तो पंक्ति को इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, तो इसीलिए इसने लाइन लिख दिया है, इसको लिखना चाहिए था रो। ओके, तो विच वन ऑफ द लेटर इन रो टू विच हैज नॉट इन रो वन, समझने का कोशिश करो। मतलब कौन सा लेटर है जो रो टू में है, रो वन में नहीं है। तो रो वन में कौन कौन नहीं है, ए और ई नहीं है। तो रो वन में ए और ई नहीं है, तो रो टू में होना चाहिए। तो रो टू में देखो ए तो है, ई नहीं है, तो ई के बारे में बात नहीं हो रहा है, बात मेरा ए के बारे में हो रहा है। ए जो है लेटर वो मेरा रो टू में है और रो वन में नहीं है, ये आपका कंडीशन हुआ। तो क्या बोला जा रहा है, द मिडिल ऑफ लाइन इन विच रो द लेटर इज लिस्ट, मतलब क्या है, तो वह अक्षर कौन सा पंक्ति में सबसे कम बार आया है, उस पंक्ति का मध्य अक्षर कौन सा है। तो आपको सेलेक्ट करना है कि ये ए जो है वो किस रो में सबसे कम बार आया है, आपको ये सेलेक्ट करना है। तो आप मुझे बताओ, ये ए आपका रो वन में जीरो बार आया है, मतलब आया ही नहीं है। ये ए आपका रो टू में तीन बार आया है, ये ए आपका रो थ्री में आया ही नहीं है, ये ए आपका रो फोर में चार बार आया है, ये ए आपका रो फाइव में एक बार आया है। क्वेश्चन बोल रहा है आया है, सबसे कम बार आया है, तो ये जो देख रहे हो इसमें तो आया ही नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है आया है, सबसे कम बार आया है, तो मेरा रो फाइव है जिसमें ए आया है और सबसे कम बार आया है, वन टाइम्स आया है, तो रो फाइव का बात हो रहा है। अब बोला जा रहा है कि इस रो फाइव का मिडिल लेटर कौन है, तो इस रो फाइव का मिडिल लेटर ए है, तो मेरा राइट आंसर ए और ए के लिए वन। ठीक है, विच वन ऑफ द लेटर इन लाइन टू विच इज नॉट इन लाइन वन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बोला जा रहा था मिडिल लेटर ऑफ लाइन, उस लाइन का मिडिल लेटर बताना है इन विच रो द लेटर इज लिस्ट। समझो कितना मतलब ग्रामेटिकल एरर है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया। उस रो का मिडिल लेटर बताना है जिस रो में ये लेटर जो ए का बात हो रहा है वो लेटर सबसे कम बार आया है, तो ए सबसे कम बार आया है रो फाइव में और रो फाइव का मिडिल लेटर है ए। ठीक है, काफी ज्यादा ग्रामेटिकल एरर है, मैंने आपको समझा दिया, तो इस तरह से समझो। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं कि इसी टाइप का आएगा और आपको आराम से बना दोगे, मुझ पे भरोसा करो। ठीक है,
एक से एट लेसन, 1 to 8 एक्सरसाइज मैंने आपको बीके सिंह का करवाया है ना, इच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। हो सकता है आपको एक्सरसाइज 1 में कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, उसका क्लियरिफिकेशन मैंने एक्सरसाइज 2 में किया, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा उसका क्लियरिफिकेशन मैंने 3 में किया, उसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा मैंने 4 में किया। इस तरह से अगर आप 8 तक चले जाओगे तो आपका 100% डाउट क्लियरिफिकेशन मैंने कर दिया है। उसके लिए आपको 1 से लेकर के 8 एक्सरसाइज तक सारा देखना पड़ेगा, तब आपका कॉन्फिडेंस 100% बिल्डअप हो जाएगा और डाउट क्लियरिफिकेशन आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फ्रॉम रो 1 to row 5 विच कैरेक्टर इन दिस रो इज कंसिस्टेंटली मोर देन 3 टाइम्स। सिर्फ आप ओवरऑल मीनिंग समझने का कोशिश करो, किस रो में मेरा कोई भी एक लेटर मोर देन 3 टाइम्स लगातार आया है, तो वो आया है row 4 में। row 4 में आया है मतलब row 4 का बात हो रहा है, तो इन दैट रो व्हाट विल बी द रिमेनिंग कैरेक्टर इन इट, मतलब इस रो में इसको छोड़ करके कौन सा एक एक्स्ट्रा लेटर है, तो ए लगातार 4 बार आया है, इसको छोड़ के एक्स्ट्रा लेटर है मेरा ई, तो राइट आंसर ई और ई के लिए 5। ठीक है, option 5। चलो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन था आपका सिंपल कि आपको उस रो के बारे में पता लगाना है जिस रो में एक लेटर मेरा 3 से ज्यादा बार आया है, तो आप जाओगे row 4 में। यहाँ पे देखो 3 से ज्यादा बार लगातार आया है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस रो का रिमेनिंग लेटर कौन सा है, तो रिमेनिंग लेटर ई है, तो आपका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which letter is in the column next to the letter that will reach the last letter while moving the diagonal square from the lower right corner in which column is more often in that column? समझने का कोशिश करो क्या बोल रहा है। Which letter क्या किया है पता है, ये क्या किया है, इसको simply translate कर दिया गया है जो कि grammatically error आया है। यहाँ पे दिया हुआ विच लेटर इज इन द कॉलम नेक्स्ट टू द लेटर व्हाट दैट विल रीच द लास्ट लेटर व्हाइल मूविंग द डायगोनल स्क्वायर फ्रॉम द लोअर राइट कॉर्नर। आपको लोअर राइट कॉर्नर में सेलेक्ट करना है एलिमेंट, और इस एलिमेंट से आपको डायगोनली चलना है और आपको यहाँ पहुंचना है, और आपसे पूछा गया कि इसके बगल में कौन सा अक्षर है, तो इसके बगल में देखो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आप लोगों को मैं एक बात बार बार बोल रहा हूँ, इसको देख करके कंफ्यूज मत करना, रिक्वेस्ट है आप सभी से, नहीं तो दिमाग का ना दही हो जाएगा। इसको देख करके मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखो, मैं आपको ट्रांसलेट करके समझा रहा हूँ वो समझने का कोशिश करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाए। क्वेश्चन आपको है कि आपको बॉटम राइट कॉर्नर से जो एलिमेंट आया उससे डायगोनली आपको जाना है लास्ट तक, तो आप यहाँ पे आ गए। अब क्वेश्चन है कि आपको इसके साइड का एलिमेंट बताना है, तो देखो साइड मतलब हमेशा लेफ्ट राइट होता है, अबव और बॉटम नहीं होता है। अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ ऐसे, तो मैं आपसे पूछूंगा ए के साइड में क्या है, तो आप बोलोगे ए के साइड में बी है और ए के साइड में सी है, ए के साइड में डी और ई नहीं है, ए के अबव में डी है और ए के बिलो ई है। तो समझने में आया क्या बोल रहा हूँ, साइड मतलब हमेशा इस तरह से बात होगा। तो यही बोला जा रहा है कि जब आप बॉटम कॉर्नर से डायगोनली लास्ट तक पहुंचे तो उसके साइड में जो लेटर आया वो किस कॉलम में है, तो वो कॉलम 2 में है, ये आपको पता चला। अब बोला जा रहा है कि इस कॉलम 2 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, तो इस कॉलम 2 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपका बी का, तो मेरा राइट आंसर होगा बी और बी के लिए 2, तो आंसर 2। समझ में आया, ये था आपका क्वेश्चन। तो जो मेरे मुंह से निकल रहा है इसको आप लोग सुनो, सुन के आप लोग एनालिसिस करो, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे इसी को कन्वर्जन करके क्या लिखा, विच लेटर इज इन द कॉलम नेक्स्ट टू द लेटर दैट विल रीच द लास्ट लेटर व्हाइल मूविंग द डायगोनल स्क्वायर फ्रॉम द लोअर राइट कॉर्नर, मतलब मूविंग द डायगोनल स्क्वायर फ्रॉम द लोअर राइट कॉर्नर से मूव करके लास्ट तक पहुंचे
उसके बाद इसका नेक्स्ट में क्या है और ये जिस कॉलम में है उस कॉलम का मोर ऑफन लेटर क्या है आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो दिमाग का दही मत करो। ओके चलो, मैं आप लोगों को अपने हिसाब से 100% देने का कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, पहले हम लोग इंग्लिश देखते हैं। व्हाट इज द सेकंड लेटर ऑफ डायगोनल ऑफ दैट लेटर विच अराइव्ड एट द लास्ट लेटर ऑफ डायगोनल ऑफ लेटर विच गेट्स द फोर्थ लेटर ऑफ द लेटर बी। समझने का कोशिश करो क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बी अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, ये है हिंदी में, मतलब बी के यहाँ पे कितना गलती दिया हुआ है सो देखो, क्या दिया हुआ, विच गेट्स द फोर्थ लेटर, विच गेट्स द फोर्थ राइट लेटर ऑफ द लेटर बी। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है एक्सक्लूड, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब होता है इंक्लूड। तो आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है बी से। अब आप बोलोगे सर कौन सा बी, तो ये आपको पकड़ना है कौन सा बी। अपने लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज, अपने लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ जो बी है इसका बात हो रहा है, इससे राइट फोर्थ, तो राइट फोर्थ ऑफ है, ऑफ देखो ध्यान से क्या है, ऑफ है बी अक्षर के दाएं, तो बी अक्षर के दाएं वन, एक्सक्लूड करना है बी को, काउंट नहीं करना है, राइट वन, राइट टू, राइट थ्री, राइट फोर, अपने लोग यहाँ पे हैं। अब बोला जा रहा है कि इस लेटर से डायगोनली आप लास्ट तक जाओ, इस लेटर से डायगोनली कहाँ जाओगे, तो यहाँ जाओगे, डायगोनली आप लास्ट तक जाओ। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इस लेटर का जो डायगोनल होगा, तो इस लेटर का डायगोनल तो यही होगा, तो इस डायगोनल का सेकंड लेटर कौन है, तो इस डायगोनल का सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर ये और सेकंड लेटर ये, तो ए है, तो ए मेरा राइट आंसर होगा, ए मेरा राइट आंसर होगा और ए के लिए वन होगा। मैं आप लोगों से बार बार एक ही बात बता रहा हूं, ये ट्रांसलेट जिसने भी किया है बहुत ही गंदा ट्रांसलेट किया है, इसके चक्कर में अपना कॉन्फिडेंस लेवल को लूज मत करो। आपको मैंने हर एक चीज सिखा दिया है, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। क्वेश्चन था कि बी से आपको स्टार्ट करना है और राइट ऑफ बी, फोर्थ राइट ऑफ बी आपको जाना है, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, आप यहाँ पे आ गए। उसके बाद क्वेश्चन था कि इससे डायगोनली आपको जाना है लास्ट तक, आप यहाँ पे आ गए। उसके बाद क्वेश्चन था कि इस लेटर का जो डायगोनल बनेगा उसका सेकेंड लेटर कौन है, तो सेकेंड लेटर ए है, तो ए के लिए आंसर वन। व्हाट इज द सेकेंड लेटर ऑफ डायगोनल ऑफ दैट लेटर विच अराइव्ड एट द लास्ट लेटर ऑफ डायगोनल ऑफ लेटर विच गेट्स द फोर्थ लेटर ऑफ द लेटर बी। तो ये ग्रामेटिकली भी अप्रोक्स सही है, आप कर सकते हो। फोर्थ लेटर ऑफ बी जो आया उसका डायगोनली लास्ट लेटर आपको जाना है, और उसका जो डायगोनल है उसका सेकेंड लेटर आपको बताना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था, सिलेक्शन दिलवाने के लिए बता रहा हूँ इतना डेडिकेटेड हो करके, ताकि कोई सा भी कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, पहले इंग्लिश में देखते हैं। व्हाट इज द लेटर नेक्स्ट टू कॉलम विच डजंट चेंज व्हेन द कॉलम वन इज एक्सचेंज विथ कॉलम टू। कॉलम वन को कॉलम टू से एक्सचेंज करना है आपको, और जब आप एक्सचेंज करते हो तो आपको उस लेटर के बारे में पता लगाना है जो लेटर मेरा चेंज नहीं होगा, तो ए मेरा चेंज नहीं होगा। तो ए के साइड में क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ए के साइड में ए है, ए के साइड में ए है, तो हम लोगों का आंसर ए होगा, ए के लिए वन होगा, राइट आंसर वन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉलम वन और कॉलम टू को एक्सचेंज करने पे जो लेटर चेंज नहीं हो रहा है उस लेटर के साइड में कौन सा लेटर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, देखो अब देखो ये कौन सा लैंग्वेज है। रीच्ड द थर्ड नंबर अंडर द फोर्थ लेटर ऑन द राइट ऑन द रो टू, देन राइजिंग टू द राइट रीचेज द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर फोर्थ लेटर ए विल बी बिटवीन फर्स्ट ई। व्हाट इज दिस, इसीलिए मेरा आवाज सुनो आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन बोला जा रहा है
पंक्ति दो के दाएं चौथा अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर, आपका जो रो टू है, रो टू का राइट फोर्थ, तो रो टू का राइट फोर्थ आपका ऐसे है ना, ऐसे, तो ये राइट में वन, राइट में टू, राइट में थ्री, राइट में फोर। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है इसके नीचे थर्ड, तो इसके नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप यहाँ पे आ गए। इसके बाद बोला जा रहा है कि राइट साइड जाते हुए आपको वापस इसी लेटर पे पहुंचना है, तो ये आपका पाथ बन गया, ये आपका पाथ बन गया ऐसे करके। अब आपको बोला जा रहा है कि इस पाथ में फोर्थ ए और फर्स्ट ई के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो फोर्थ ए देखो आपका फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और फोर्थ ए, फोर्थ ए आपका ये और फर्स्ट ई आपका ये, तो इसके बीच में दो लेटर है सी और ई, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहला के जगह आपका सेकंड ई होगा, फर्स्ट ई के जगह सेकंड ई होगा, तो आपका सेकंड ई ये हो जाता और इस ई और ए के बीच में सी हो जाता और मेरा राइट आंसर सी हो जाता और सी के लिए थ्री कर देते। ठीक है, सिर्फ आपको जितना बताया जा रहा है उतना सीखो कि जितना मैं कर रहा हूँ उतना अगर आप करोगे तो आप आंसर ला पाओगे या नहीं ला पाओगे। मैंने टेस्ट सीरीज वालों को बोला था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने बोला था कि अगर पॉसिबल होगा तो आप मुझे बोलना, मैं इसका ट्रांसलेट कर दूंगा इंग्लिश में, लेकिन उसने शायद मुझे बिजी देखते हुए किसी और से करवा दिया और मुझे नहीं पता था कि इतना घटिया इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया जाएगा। जिसने भी किया है काफी घटिया ट्रांसलेशन किया है। खैर आपको इससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने से। और एक बात याद रखना, साइको टेस्ट हिंदी में सबसे बेस्ट होता है, हिंदी में आपको कहीं गलत नहीं मिलेगा, हिंदी लैंग्वेज में आपको कहीं गलत नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग हिंदी में थोड़ा सा भी कंफर्टेबल हो हिंदी लैंग्वेज यूज करो, अगर आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन होल्डिंग द रो 5 इन रिवर्स ऑर्डर द फोर्थ लेटर कम्स फ्रॉम द राइट टू थर्ड लेटर अबव व्हिच लेटर गेट्स अराउंड द अदर इज मोर ऑफन अराउंड इट, व्हाट इज दिस। अब जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो, अल्टीमेटली आपको सिखा रहा हूँ। अब देखो बीके सिंह 100% एरर है, 100% एरर है, एक भी क्वेश्चन आज तक ऐसा मिला नहीं जो लगे कि आपका 100% सही है, क्या करोगे। किरण पब्लिकेशन, आप बोलोगे सर आपने रिकमेंड किया, भैया मैंने रिकमेंड इसलिए किया कि पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट बुक यही है। विद्यासागर एरर है, किरण एरर है, इस तीन के अलावा चौथा बुक का नाम आप कभी सुने ही नहीं होगे, और अगर कभी सुने भी होगे तो वो कोई इतना फेमस बुक नहीं है। इवन रेलवे भी क्वेश्चन आपका इसी तीनों बुक से उठाएगा। तो देखो चलो देखते हैं, क्वेश्चन है आपका कि रो 5 को आप अपोजिट रिवर्स ऑर्डर में करो, तो जब रो 5 को आप रिवर्स ऑर्डर में करोगे तो आपका राइट साइड से फोर्थ लेटर कौन सा है, तो आपका राइट साइड से फोर्थ लेटर ये है। रो 5 को रिवर्स ऑर्डर करना है और राइट साइड से फोर्थ लेटर आपको बताना है, तो राइट साइड से फोर्थ लेटर तो आपका सी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे पोजिशन का बात कर रहा हूँ। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर जो प्राप्त होता है इसके अपर डायरेक्शन में थर्ड एभव, तो फर्स्ट एभव, सेकंड एभव, थर्ड एभव, मतलब थर्ड लेटर एभव बी, तो थर्ड लेटर एभव बी आपका ये आया। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसका जो एडजेसेंट लेटर है, इसका एडजेसेंट लेटर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, तो इस बी का जो एडजेसेंट लेटर आप देख रहे हो इसमें पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है। अब बताओ आपको ये आता है कि नहीं आता है। मैं आपसे बोलता हूं, मेरा क्वेश्चन समझो कि रिवर्स करने के लिए आप रो 5 के ऑर्डर को रिवर्स करो, राइट साइड से आप फोर्थ लेटर पे आओ, इस लेटर से आप थर्ड लेटर ऊपर जाओ और वहां पे उसका जो एडजेसेंट लेटर है उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताओ। इस लाइन को सुनने के बाद आप आंसर कर पाओगे कि नहीं, अगर आंसर है यस देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। आंसर है नो तो आप अभी भी कंफ्यूज हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लैंग्वेज की वजह से अपना दिमाग का दही नहीं करना है। अब बताओ इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सी का है,
तो सी के लिए थ्री, सी के लिए थ्री। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए इतना कर रहा हूँ, अदरवाइज मैंने इनफ लेक्चर डाल दिया था कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। चलो क्वेश्चन नाइन है, व्हाट इज द फोर्थ लेटर अंडर कॉलम फाइव इफ स्विचिंग लाइन टू रो फाइव। देखो कितना ज्यादा मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको करेक्ट कर दे रहा हूँ। व्हाट इज द फोर्थ लेटर इन कॉलम फाइव आफ्टर आफ्टर एक्सचेंजिंग रो थ्री एंड रो फाइव, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। व्हाट इज द फोर्थ लेटर इन कॉलम फाइव आफ्टर एक्सचेंजिंग रो थ्री एंड रो फाइव। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हो या नहीं। आप लोग यस सर काफी आसान क्वेश्चन है, तुरंत बना देंगे। तो बस सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखो, ऐसा ही क्वेश्चन रेलवे में आएगा आपका साइको में और आप बना दोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सिंपल, मैंने आपको एक चीज सिखाया था, रो थ्री और रो फाइव को अगर एक्सचेंज करते हैं तो रो फोर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे क्या पूछा गया है, कॉलम फाइव का फोर्थ लेटर, कॉलम फाइव का फोर्थ लेटर ई। तो रो थ्री और रो फाइव को एक्सचेंज करने से मेरा इस लेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा राइट आंसर ई और ई के लिए फाइव, तो फाइव। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं। हिंदी अगर थोड़ा सा भी समझ में आता है तो हिंदी में क्वेश्चन बनाया करो, 100% गारंटी देता हूं कि हिंदी में लैंग्वेज प्रॉब्लम ना के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन का पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच इज द लेटर दैट हैज कम आउट 7 times इन द इंटायर टेबल। यहां से आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, आपको उस लेटर के बारे में पता लगाना है जो आपको इस टेबल में 7 times आया है। 7 times कौन आया है, चलो काउंट कर लेते हैं। ए को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। ए 8 बार आया है, आपको 7 बार पता करना है। सी को देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सी आपका एग्जैक्टली 7 times आया है, मतलब व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर सी। तो विच इज द लेटर विच हैज कम आउट 7 times इन द इंटायर टेबल, तो आप बोलोगे सी। एंड इन लाइन फाइव व्हाट लेटर विल बी इमीडिएटली अबव द लेटर, क्वेश्चन का मतलब समझो। अब आपको रो फाइव में जाना है सी के पास, मतलब बोला जा रहा है कि आपको उस लेटर के बारे में पता लगाना है जो लेटर 7 times आया, तो आप बोलोगे सर सी आया। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रो फाइव में सी कहाँ है, तो रो फाइव में सी यहाँ है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस सी के जस्ट अबव में कौन सा लेटर है, तो इस सी के जस्ट अबव में ए है और ए के लिए आंसर 1 होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को लास्ट में फिर से एक बात बता रहा हूं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, ग्रामेटिकल एरर, किसी दूसरे के मिस्टेक की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज मत करना। मेरा आवाज अगर समझ में आता है, मैं जो बोलता हूं वो अगर समझ में आता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम में आप लोग अच्छा खासा स्कोर करके आओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।